क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इकाई तीन मतलब अध्याय तीन तक हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ाई किया था। आज के लेक्चर में हम लोग इकाई चार रचनाएं के कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम लोग अध्याय को स्टार्ट करेंगे। अध्याय को स्टार्ट करने से पहले ये निर्मेय पढ़ना जरूरी है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है। इंट्रोडक्शन में पहला निर्मेय है। ये निर्मेय को जो हम लोग बढ़िया से अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे तभी जो है इस क्वेश्चन के मतलब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आइए हम लोग निर्मेय को देखते हैं। निर्मेय फर्स्ट कह रहा है कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो सबसे पहले इसमें दो बातें आई हुई हैं कि रेखाखंड और समद्विभाजित, ठीक है। तो पहले हम लोग रेखाखंड को समझ लेते हैं कि रेखाखंड क्या होता है और ये समद्विभाजित करना क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रेखाखंड क्या है। रेखाखंड उसे कहते हैं जिस रेखा का दो अंत बिंदु दिया हो उसी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। जैसे कोई आपने रेखा ऐसे खींच लिया, अगर इसका कोई अंत बिंदु दे दे ए और बी, मान लीजिए इसका अंत बिंदु ए बी है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड कुछ भी आप रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने इस रेखा खंड का नाम रखा है ए बी। यह जो है ए और बी इसके अंत बिंदु है, अब इसके बाद हम इसको बढ़ा नहीं सकते, तो इसी को हम कहते हैं रेखा खंड। अब रही बात समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समद्विभाजित का मतलब ये होता है, सम माने होता है देखिए बराबर, अद्वि माने दो, अभाजित माने भाग करना, यानी दो बराबर इस रेखा को भाग हम कर दें तो क्या हो जाएगा, समद्विभाजित उसी को हम कहते हैं कि इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटना। तो देखिए इस रेखाखंड को यही कर रहा है कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना, यानी कोई रेखा दिया रहेगा उसको दो बराबर भागों में हम कैसे बांटेंगे इसी को हम लोग को पढ़ना है समझना है। तो रचनाएं देखिए, रचना मतलब होता है बनाना कि हम कैसे किसी चीज़ को बनाएंगे। तो यदि कोई बिल्डर मकान बनाता है कुछ भी करता है तो वहाँ बुनियाद से स्टार्ट करता है और बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देता है, तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हम इसको बनाएंगे सेम वही काम जो है हमको आराम से लिखना है कि हमने पहले क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, ठीक है। रचना का मतलब ये होता है। और निर्मेय बता ही दे रहा है कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। हमने रेखाखंड बता दिया कि जिस रेखा का दो अंत बिंदु दिया होगा वो रेखाखंड होता है। समद्विभाजित करना क्या होता है, रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट देना। भाजित का मतलब बांटना, अद्वि माने दो भागों में, सम माने बराबर बराबर भागों में, बराबर बराबर दो भागों में उसको बांट देंगे वही समद्विभाजित होता है। तो इसको देखिए निर्मेय पढ़ने के लिए या प्रमेय पढ़ने के लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ज्योमेट्री बॉक्स है, और आप शॉप पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे तो ज्योमेट्री बॉक्स एक इसी कलर का नहीं, अलग अलग कलर का मिलता है, शाइनी का मिलता है और बहुत कलर का होता है। ये पावर का ज्योमेट्री बॉक्स है, तो आपके पास ये ज्योमेट्री बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। इसमें सेटेस स्क्वायर होता है, चादा होता है, दूरी होती है, प्रकार होता है और स्केल होता है, ठीक है। तो इस निर्मेय को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा, इसको कहते हैं प्रकार, ये प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, और एक आपको पड़ेगा स्केल जिसको आप इंची भी कहते होंगे, ठीक है। तो एक इंची की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम बताने जा रहे हैं कि इस रेखाखंड को हम दो बराबर भागों में कैसे हम बांट पाएंगे। आप लोग जो है लगातार इस वीडियो पे बने रहें और बातों को ध्यान से सुने समझें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बात आज नहीं समझ में आएगी तो आगे भी बात आपको लोग को समझ में नहीं आएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप नाइन्थ में जाएंगे, टेंथ में जाएंगे, ये हर कक्षाओं में जो है मिलता है, ठीक है। आइए आपको पास कराने में बहुत बड़ा योगदान होता है रचनाएं का, ये भी जान लीजिए।
इसलिए इस क्वेश्चन को मतलब इस रचनाओं को आप ध्यान से देखें, बहुत कठिन नहीं होता है, ध्यान से देखें सुने और तभी जो है आपको बात समझ आएगी। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल बात नहीं समझ आएगी कि फटाक से हम स्किप करके देखें आगे आगे सर कैसे बताए हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें तभी आपको एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है। आइए हम लोग दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए ये रेखा मान लीजिए इसका नाप तो नहीं दिया है तो हमने बिना नाप का खींचा है। बाय द वे अगर अध्याय में नाप आ जाएगा तो सेंटीमीटर आप जानते होंगे कि देखिए ये स्केल है इसमें दो भाग है, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो ये थोड़ा दूरी दूरी पर जो बना रहता है इसको इंच कहते हैं और जो ये छोटा छोटा इसमें बना रहता है इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाप नहीं दिया है, रेखाखंड कोई दे दिया हुआ है, नाप नहीं दिया है, उसमें आपको नाप देगा तो नाप इसमें ऐसे नाप करके उसमें को खींचना पड़ेगा तब जो है उसका हम जो भी कुछ करना रहेगा करेंगे। तो देखिए ये स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, हमने स्केल से मान लीजिए इसको खींच लिया है, रेखाखंड हमने ए बी खींच लिया। अब इसको हमको दो बराबर भागों में बांटना है तो देखिए कैसे बांटेंगे। तो देखिए आपके पास प्रकार होना जरूरी है, प्रकार के सहायता से, ये नहीं कि हाथ से ऐसे ऐसे मार देंगे खींच देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर एग्जामिनर उसको चेक कर देगा तो तुरंत रॉन्ग कर देगा, गलत कर देगा, जीरो नंबर दे देगा। तो आपके पास प्रकार होनी चाहिए। तो करना क्या है, ये जैसे बिंदु ए है तो बिंदु ए पर आपको ए वाली सुई रखना है यहाँ पर। अब इसको आधा से अधिक दूरी तक फैला लेना, हमने ये तो बड़ा सा बोर्ड है ये ऐसे हमने खींच लिया है, ये तो उस पर मैनेज नहीं कर पाएगा। आप कॉपी पे बनाएंगे तो कॉपी पे प्रकार जो है मैनेज कर लेगा। बात को सिर्फ आपको समझना है कि कैसे हम बता रहे हैं, आप कॉपी पे वैसे करेंगे सेम तो आपको विधिवत बात समझ में आएगी। तो देखिए इसको फैला लेना है और इस रेखाखंड का आधा से अधिक दूरी लेना है। यहाँ पर सुई रख लेंगे और इसको फैला करके आधा से अधिक यहाँ देखिए आ रहा है या यहाँ भी आएगा, यहाँ भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आधा से अधिक दूरी लेकर के ऊपर चाप लगाएंगे और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे, कैसे, इस प्रकार से। देखिए हमने आधा से अधिक दूरी ले लेंगे, यहाँ तक मान लीजिए आएगा तो ऐसे चाप लगाएंगे और नीचे की तरफ चाप ऐसे लगा लेंगे। और चाप जब हम लेंगे आधा से अधिक दूरी चाप जब लेंगे ए बिंदु से तो ठीक बी बिंदु से भी उसी चाप से, अब चाप कम बेसी आपको बिल्कुल नहीं करना है, चाप वहीं रहना चाहिए और उसी चाप से बिंदु बी पर सुई रखेंगे और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। तो जब यहाँ से आप चाप लगाएंगे आधा से दूरी लेकर के ऐसे काटेगा और नीचे ऐसे काट देगा, ठीक है, इस प्रकार से काट देगा। देखिए हम तो हाथ से कट कर रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड पे हम बता रहे हैं, कॉपी पे नहीं बता रहे हैं। कॉपी पे अगर बताएंगे तो एग्जैक्ट जो है ये कट करेगा और मैच करेंगे तो मिलान भी करेगा। तो आपको हमने बता दिया कि आधा से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ तक अधिक दूरी आएगा और इसको ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे बिंदु ई पर ए पर सुई रख करके, और उसी चाप से बिंदु बी पर सुई रखेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे तो जो लगा हुआ चाप है उसको कहीं ये कट करेगा, ठीक है। जब कट करेगा तो मान लीजिए इस ए मान लीजिए यम बिंदु हो जाता है, साइड में इसको लिखते हैं, ये बिंदु मान लीजिए यम हो जाता है और ये बिंदु क्या हो जाता है, यन हो जाता है, ठीक है, ये यन बिंदु हो गया। तो अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। स्केल की सहायता से आप इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। आप जो है जब इसको प्रकार से बनाएंगे तो एग्जैक्ट इसका आएगा, हम इसको ऐसे मिला ले रहे हैं ऐसे, इस प्रकार से हमने आपको स्केल की सहायता से मिलाना है, हमने तो हाथ से मिलाया, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो आप जब प्रकार से बनाएंगे इसको करेंगे तो परफेक्ट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले किया क्या कि एक रेखाखंड ए बी खींचा, उसके बाद क्या किया बिंदु ए पर प्रकार की सुई रखकर और इस रेखाखंड ए बी का आधा से अधिक दूरी लिया और ऊपर के तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाया, फिर उसी चाप से बिंदु बी पर सुई रखा और ऊपर के तरफ नीचे की तरफ चाप लगाया जो लगे हुए चाप को दो बिंदुओं पर काटता है, बिंदु का नाम यम और
यन हो गया, ये बिंदु है देखिए यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये जो हमारा भाग होगा, मान लीजिए ए बी रेखा को ओ बिंदु पर कट करता है, कहाँ पे कट करता है, ओ बिंदु पर कट करता है, तो ओ और ए की जो दूरी होगी वही ओ और बी की भी दूरी सेम होगी, बराबर होगी। इसी का नाम है रेखाखंड को समद्विभाजित करना, यानी यही ए बी जो रेखा है इसको दो बराबर भागों में हमने समद्विभाजित कर लिया है। अब रही बात क्या रचना की, कि रचना हम लोग कैसे कर पाएंगे भाई, रचना कैसे करेंगे। तो देखिए रचना करने के लिए आपको इसमें क्या क्या लिखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होता है कि आपने इसमें क्या क्या लिखेंगे, मतलब जो जो आप बनाए रहेंगे, जैसे जैसे आप किए रहेंगे वैसे वैसे जो है आपको रचना को लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग रचना में लिखेंगे क्या, देखते हैं यहाँ पे रचना, देखिए रचना में क्या क्या लिखना है। पहले हम लोग रचना देखते हैं कि रचना में क्या है। रचना में देखिए हम लोग को क्या करना है, यही वाला बता रहे हैं। पहले हम लोग को इसमें लिखना पड़ेगा ज्ञात है। ज्ञात है का मतलब क्या करेंगे हम लोग, ज्ञात का मतलब जो हम लोग को मालूम है, ठीक है। इसमें हमको क्या मालूम है, रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड इसका नाम नहीं दिया है, हम लिख लेंगे ए बी रेखाखंड, हमको जैसे पता था, या रेखाखंड लिख लेंगे, रेखाखंड का समद्विभाजित करना, ये हम लोग को मालूम है रेखाखंड। क्या मालूम है, रेखाखंड, या लिख लीजिए रेखाखंड। मान लीजिए हमने ए बी रखा है तो ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी रेखाखंड ए बी जो है हम लोग को मालूम है, ठीक। रेखाखंड ए बी मालूम हो गया। ज्ञात है का मतलब मालूम है, क्या आपको मालूम है। तो हमको क्या मालूम था, रेखाखंड ए बी मालूम है, और हमने रेखाखंड ए बी लिख लिया, ये हमको मालूम था। आगे देखिए क्या लिखना है, रचना करनी है, रचना करनी है। अब देखिए किसकी रचना करनी है, रेखाखंड ए बी की। क्या रचना करनी है, समद्विभाजित करना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग रेखाखंड ए बी का समद्विभाजक। क्या रचना करना था हम लोग को, रेखाखंड ए बी का समद्विभाजित करना, यानी समद्विभाजक कहें या समद्विभाजित कहें, बात दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमको यही रचना करना था कि रेखाखंड ए बी का समद्विभाजक करना है, ठीक है। या लिख दीजिए यहाँ पे समद्विभाजित करना, ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें हमने दो चीज़ें लिखा, क्या ज्ञात है रेखाखंड ए बी, रचना किसकी करनी है, रेखाखंड ए बी का समद्विभाजित करना, ठीक है। या करना भी नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, माल ए बस हमको रचना करनी है रेखाखंड ए बी का समद्विभाजित, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग को लिखना है रचना के चरण, रचना के चरण। देखिए चरण में इसको हम लिख सकते हैं नंबर वाइज लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर चाहेंगे तो आप डिटेल में एक के बारे में लिख सकते हैं, या चरण में लिख दिए तो एक 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 दो नंबर डाल के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, नंबर एक में ए बी रेखा खंड खींचा था, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे नंबर एक डाल करके सर्व। सबसे पहले आप अपने लैंग्वेज में अपने भाषा में इस रचना को लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप क्या समझते हैं, आप कैसे करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं कि हमने जो लिखा है आप उसी को लिखेंगे रटेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें रचना में आपको जो करना है, जो किए हैं, जैसे बनाए हैं, सेम वही चीज़ लिखना है आपको, रटने वाला काम नहीं है इसमें।
जैसे आप बनाएंगे वैसे ही, जैसे आप दिन भर में घूमने गए तो आप शाम को घर पे आए, पापा ने पूछा कि आप कहाँ कहाँ बेटा गए थे घूमने के लिए, तो आप उनको डिटेल बता सकते हैं कि फला जगह गए, फला जगह गए, फला जगह गए, अभी को हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो वही काम इसमें करना है कि आपने स्टार्टिंग से इसमें क्या क्या किया है, वही रचना है। जैसे जैसे आपने बनाया है वही रचना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी रेखा का, सॉरी ए बी रेखा खंड खींचा था सबसे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे सर्व प्रथम ए बी रेखा खंड खींचा। देखिए सर्वप्रथम हम एक नंबर में लिखा क्या कि सबसे पहले, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सबसे पहले ए बी रेखाखंड खींचा। एग्जामिनर गलत कर ही नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, वो चेक करेगा तो यही कहेगा कि जो स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में इसको सॉल्व किया है, गलत कर ही नहीं सकता वो। तो हमने इसको लिखा है सर्वप्रथम ए बी रेखाखंड खींचा, सबसे पहले यही ना काम किया था भाई। सबसे पहले क्या किया था, पहले तो ये लाइन तो खींचा नहीं था, सबसे पहले ए बी रेखा को हमने खींचा था। तो ये रेखाखंड है क्योंकि इसका अंत बिंदु दो ठो दिया हुआ है, तो ए बी रेखाखंड सबसे पहले हमने खींचा था, तो इसको हमने लिख लिया सर्वप्रथम सब ए बी रेखाखंड खींचा। दूसरे नंबर पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए दूसरे नंबर पे क्या करते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या किया था, बिंदु ए को जहाँ पे हम सुई रखेंगे उसको हम देखिए कहते हैं केंद्र, क्या कहेंगे केंद्र कहेंगे, जहाँ पे यहाँ पे सुई रखा था ए बिंदु पर इसको कहेंगे केंद्र। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बिंदु ए को केंद्र मानकर और रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी का आधा से अधिक दूरी लेकर, ये नहीं किए थे इस पे सुई रखे थे तो एक केंद्र मान लिए, इसको केंद्र मान मान लिया और ए बी रेखा का आधा से अधिक दूरी लिया था, यहाँ तक लिया था हमने, आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर के तरफ नीचे के तरफ क्या लगाया, उसको कहते हैं चाप, चाप लगाया, ठीक है। अरे भाई इस पे सुई रखा था, आधा से अधिक दूरी लिया था, तो जो जो ये फैलता है, ये वाली जो कहने का मतलब जो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो ये होता है इसी को हम कहते हैं चाप, ठीक है, ये चाप होता है। तो इसी चाप लगाया मतलब ऊपर लगाया नीचे लगाया, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि बिंदु ए पर, ऐसे लिखेंगे कैसे, बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर, देखिए केंद्र इसको मान लिया है, और ए बी रेखा खंड का यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि भाई ये ए बी ए रेखा खंड है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी रेखा खंड को, सॉरी ए बी रेखा खंड का, ए बी रेखा खंड है ये, रेखा खंड का आधा से अधिक दूरी लिखेंगे यहाँ पे, जैसे किए हैं वैसे लिख रहे हैं, आधा से अधिक अधिक दूरी लेकर लेकर ऊपर तथा नीचे चाप लगाया, ठीक है। बस आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ये जरूरी नहीं एक जैसे हम लिख रहे हैं तो उसी इसी चीज़ को रटें आप, रटने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आपको बनाएंगे, जैसे आप इसको बनाएंगे वैसे सेम करना है। हम जो लिख रहे हैं तो आपके इसमें लिखावट में परिवर्तन हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा है आप सेम वैसे लिखें, इसमें परिवर्तन हो सकता है, इधर का उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें हमने सेकंड वाले में क्या लिखा, बिंदु ए को केंद्र मानकर, इसको हमने केंद्र मान लिया, जब सुई यहाँ पे रखेंगे ए वाली जब सुई रखेंगे यहाँ पे, तो इसको केंद्र मान लिए और इसका आधा से अधिक दूरी ले लिया, लिखा यहाँ पे
केंद्र मान लिया और ए बी रेखाखंड का आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे की तरफ हमने चाप लगाया। देखिए पहला चाप हमारा था ए वाला, ये ऐसे जो लगाए हैं, और ये वाला जो ऐसे लगाए हैं, ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ चाप लगाया। अब देखिए तीसरे नंबर पे देखते हैं हम लोग, तीसरे नंबर पे देखिए क्या किए हैं हम, बिंदु बी को केंद्र माने थे यहाँ पे। अब चाप जो लिए थे ये बिंदु बी को, अब इसमें एक बात और लिखना पड़ेगा कि जब ए बिंदु पे चाप लिया था तो चाप हमने कम बेसी नहीं किया था, ठीक है, कम बेसी हो जाएगा तो ये एग्जिट मतलब सही अइबे नहीं करेगा, तो चाप हमने कम नहीं किया था, उसी चाप से बिंदु बी पर, बिंदु बी को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाया था, ठीक है। तो देखते हैं आप लिखेंगे बिंदु बी को केंद्र मान कर, ठीक है, उसी चाप से, देखिए चाप जब जो हमने यहाँ पे यहाँ तक लिया था तो चाप हमने कम बेसी नहीं किया था, अभी बता रहे हैं, तो बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी चाप से ऊपर तथा नीचे चाप लगाया, ठीक है, जो क्या करता है, लगे हुए चाप को दो बिंदुओं पर काटता है, देखिए यन बिंदु पर काटा है और यम बिंदु पर काटा है, ठीक है, लगा ऊपर था नीचे के नीचे चाप लगाया, जो लगे चाप को यन यहाँ पे से कमा लगाते हैं, यम अलग है यन अलग है, यम यन बिंदु पर काटता है, ठीक है। देखिए जब ये पहला चाप लगाया था ए वाला ऐसे और ये वाला ऐसे लगाया था, और इस पे जब उसी चाप से हमने चाप लगाया था तो ए वाला चाप देखिए लगा है और ऐसे घुमा दिया है, इस प्रकार से घुमाया है ना ए वाला, तो देखिए यहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम यन हो गया, यहाँ पे कट कर रहा है इसका यम हो गया, तो पहले यम आता है तब यन आता है, इसीलिए हमने यम यन पहले लिख लिया, काटता है। अब देखिए चौथे नंबर में हमने क्या किया, यम को यन से मिलाए थे ना, तो इसको लिख लेंगे चार नंबर पे, आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए तो अब लिखा देखिए काटता है और यम तथा यन को, यम तथा यन बिंदु को मिलाया जो रेखाखंड ए बी को ओ बिंदु पर काटता है। देखिए कितना आसान है, अब जब हम यम और यन को मिलाया तो ये जो ए बी रेखाखंड है इसी से होकर के जा रही है इसी पर से, तो ये ओ बिंदु पर काट दिया, या इसका नाम हमने ओ रख दिया है, ओ बिंदु पर काट दिया है, ठीक है, तो ओ बिंदु पर काटता है, तो वो बिंदु हमारा मिल गया। अब इसमें पांचवा नंबर में क्या लिखेंगे कि ओ और ए बराबर क्या होगा, ओ ए चाहे ए ओ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए बोलिए चाहे ए ओ बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओ बी बोलिए या बी ओ बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इधर से या इधर से पढ़ सकते हैं, तो ओ ए बराबर ओ बी यही हमारा क्या होगा, समद्विभाजित होगा, ठीक है, इसी को बोला था लिखने के लिए, तो हम लोग अब उस चरण पे पहुंच चुके हैं जिसकी बात इस पर निर्णय में हुई थी, तो
अब क्या हमने लिखा था अभी चौथे नंबर में, यम तथा यन बिंदु को मिलाया जो रेखाखंड ए बी को ओ बिंदु पर काटता है। अब पांचवा नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे ओ ए, ओ ए तथा ओ बी आपस में बराबर है, लिख लेते हैं यहाँ पे। इसे यहाँ लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी, ठीक, ये हमारा ऐसे है। इसी प्रकार से जो है, देखिए कुछ नहीं करना है, ये पांचवें चरण में हो गया। ये जरूरी नहीं है कि पाँच दस चरण आप जितने लंबा करेंगे, जितने विधिवत लिखेंगे उतने लंबा होगा, और जितना शॉर्ट लिखेंगे उतना शॉर्ट होगा। तो मुख्यतः जो इसमें हम करते हैं उसी को जो है हम लोग एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं। जैसे जैसे आप किए हैं वैसे वैसे हम लिखते हैं, और विशेष इसमें कोई काम नहीं रहता है। बस थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका, लिखने का स्टाइल जिसको कहते हैं आप लोग, तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे हम बना रहे हैं और हम कैसे लिखेंगे, ये तरीका मालूम होना चाहिए। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, या नंबर आप नहीं डालते हैं तो इक्का में कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर से फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर धड़ धड़ इसको पढ़ता चला जाएगा कि ये क्या क्या लिखा है, फटफट नंबर देखता चला जाएगा, एग्जिट आप उसको समझ में आ जाएगा, ढाई से जितने नंबर कराएगा टोटल नंबर वो झोंक देगा उस पर। इसमें देखिए जरूरी ये होता है फिगर, इसका फिगर आप नहीं बनाए, रचना लिख देंगे तो एकदम बकवास समझा जाएगा, क्योंकि जब फिगर बनाने आपको आया नहीं तो रचना आया कैसे आपको भाई, रचना कैसे आया। इसलिए फिगर इम्पोर्टेंट होता है, रचना दो शब्द कम लिखेंगे चलेगा, फिगर एकदम इम्पोर्टेंट है, फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा। जब फिगर आप बना लेंगे तो रचना लिखने में आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इकाई चार रचनाएं का निर्मेय नंबर वन, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। कैसे हम लोगों ने समद्विभाजित किया अभी हमने इसमें डिटेल बताया है। आप जो है वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, एक एक बात को सुनने का और समझने का प्रयास करें, तभी जो है आप लोग को ये बात समझ में आएगी। और ये निर्मेय इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब आगे की कक्षाओं में ये आप पढ़ेंगे, अगर आज नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, तो आगे की कक्षाओं में आपको बिल्कुल बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए आप इसको जो है ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें, तभी ये बात जो है आपको समझ में आएगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग जो है अभ्यास चार का ए पढ़ेंगे, और उसमें जो है क्वेश्चन को हल हम लोग करेंगे इसी मेथड से। अभ्यास चार में क्वेश्चन दिए हैं, और ये जब आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन समझने में एकदम आसान, एकदम ईजी होगा, आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इकाई चार के अध्याय ए से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग के दोस्त मित्र यार जो भी हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।